जो आज की वर्तमान सरकार है वो मंदिर बनाने के लिए, वो चुनावी रैलियां करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फंड खर्च कर सकती है, लेकिन भारत के नागरिकों को समान शिक्षा के लिए कुछ चंद करोड़ रुपए उसमें नियोजित नहीं कर सकती है। बच्चों को जब से यह सुविधा प्रदान सरकार ने की है कि 10वीं तक कोई फेल नहीं होगा, बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। यदि आज हम कह रहे हैं कि 8वीं क्लास तक की शिक्षा अपरिहार्य है, यह राज्य सभी नागरिकों को जरूर प्रदान करेगा, तो इस बात के क्या मायने हैं? आज 8वीं क्लास पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति उन लोगों को कॉम्पीट नहीं कर सकता जो कि तमाम तरह से समाज के लोग समानता की बात करते हैं। तो एकाएक हमारे जहन में वो बात आ जाती है कि जो हमारी मूल आवश्यकताओं में शामिल है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आपके बीच में आपसे यह आग्रह करता हूं सबसे पहले कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल NB News 24x7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। यह यूट्यूब चैनल नीलम बौद्ध जी का है और वह आपके बीच में अच्छी अच्छी बातों को, काम की बातों को, ज़रूरी बातों को लाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और उनकी मेहनत काम में आए और सभी लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारा चैनल बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। और यह भी आपको ध्यान रहे कि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तब साइड में जो एक बेल आइकॉन होता है उस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस बेल आइकॉन को दबाने से यह होगा कि हमारे कोई भी वीडियो इस YouTube चैनल पर डालने के बाद आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूँ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 पर। ऐसा कि आप समझते हैं कि आर्टिकल 14 के माध्यम से हमें हमारा समानता का अधिकार मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत स्टेटमेंट दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से अब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, मैं यह आपको स्पष्ट करूँगा। जैसा कि हम समझते हैं कि समानता का अधिकार का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं, जो संपत्ति है, जो भी वस्तुएं हैं, उनका समान रूप से वितरण किया जाना। जैसे कि हम जानते हैं कि एक परिवार में जब कुछ लोग रहते हैं या एक बाप के चार बेटे हैं तो उसकी जो संपत्ति है उन चारों बेटों में समान रूप से बांट दी जाए, इसे कहते हैं समानता का अधिकार। या फिर यूँ कहें कि एक जो अभिभावक है वो अपने बच्चों के बीच में संपत्ति का इस प्रकार बंटवारा चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और उनमें कोई भी दुखी ना रहे। तो इस प्रकार से जो समानता है, वो समानता का जो लक्ष्य है, समानता का जो उद्देश्य है, वो मनुष्य की भलाई के लिए है, वो नागरिकों की भलाई के लिए है। जिस प्रकार से अभिभावक अपने बच्चों की भलाई के उद्देश्य को रखते हुए अपनी संपत्ति का उसी प्रकार बंटवारा करते हैं ताकि उनके बच्चे कोई भी दुखी न रहे और सभी बच्चे उनके सुखी रहें, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो क्या संविधान हमें इस प्रकार की समानता का अधिकार देता है जो कि मूल अधिकारों की अवधारणा में शामिल है? तो आर्टिकल 14, जैसे ही हम समानता की बात करते हैं वैसे ही हमारे जहन में आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का कौन उठता है, और उसको अगर हम पढ़ें और उसके जिस्ट को पढ़ें, उसका प्रेजेंस हम देखते हैं तो कुछ और लगता है, लेकिन उसका एसेंस देखें तो हमें पता लगता है कि यह उस तरह की समानता का अधिकार नहीं है जिस तरह की समानता का अधिकार हर एक नागरिक सोचता है। तो यदि मैं आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इट सेज, यह कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता या जो कानून भारत की संसद ने बनाए हैं उनके अंतर्गत समानता से इनकार नहीं करेगा।
इसका मतलब यह है कि यदि आप कोर्ट में न्याय लेने के लिए जाते हैं तो आपके साथ में गरीबी अमीरी या जाति आधार पर या लैंगिक आधार पर भाषाई आधार पर क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगा और आपको उतनी ही प्रोटेक्शन भारत के तमाम कानून उतनी ही सुरक्षा आपको देंगे जितनी कि अमीरों को सुरक्षा प्रदान होती है। कानून आपको इस बात से इनकार नहीं करेगा या आपको उतनी सुरक्षा देने से इनकार नहीं करेगा जो कि वो अमीरों को प्रदान करता है या किसी विशेष जाति को प्रदान करता है या किसी विशेष धर्म को प्रदान करता है। वह सभी जाति धर्म भाषा क्षेत्र के लोगों के साथ में उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसे कि कानून में अंतर्निहित है। तो अब क्या समझ रहे हैं आप कि समानता का अधिकार जो अब तक हम समझते आए हैं क्या यह अधिकार वैसा ही है और क्या यह हमारा जो हम अधिकार समझते हैं कि ये जो देश है इस देश के जो संसाधन है इसमें जो संपत्ति है जो कि जमीन है जंगल है और जल है हवा है इस सब पर हम सब का प्राकृतिक रूप से बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार है मूल अधिकारों का मतलब ही ये है कि वह अधिकार जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य है बहुत जरूरी है वह अधिकार मूल अधिकारों में अंतर्निहित किए गए हैं। तो अभी साथियों यह समझने वाली बात है कि ऐसा आखिर क्यों नहीं किया गया संविधान के मूल अधिकारों में कि सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। एक कंसेप्ट और जब हम पढ़ते हैं संविधान की इस अवधारणा को तो जब कानून के पास हम समानता के अधिकार को लेकर जाते हैं या हम यह बात लेकर जाते हैं कोर्ट्स में कि हमारे साथ राज्य ने इस आधार पर भेदभाव किया है जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग कोर्ट में गए और वे आरक्षण के विरोधी हैं और उन्होंने न्यायालय से कहा कोर्ट से कहा कि राज्य ने हमारे हक अधिकार छीन कर एक दूसरे जाति के लोगों को दे दिए हैं। इस प्रकार से हमारे साथ में राज्य ने भेदभाव किया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। तब यहाँ पर कोर्ट ये कहता है कोर्ट तब आपके इस समानता के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है और यह कहता है कि इक्वल पर्संस मे बी ट्रीटेड विद इक्वलिटी बट अनइक्वल पर्संस कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब ये है कि जो समान लोग हैं जो हर प्रकार से समान लोग हैं उनके साथ में समानता का अधिकार बरता जा सकता है लेकिन जो लोग समान नहीं हैं उनके साथ में समानता का अधिकार या समानता का कानून कैसे बरता जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए चार लोग हैं और चार रोटियां हैं लेकिन चार लोगों की भूख अलग अलग है। अब जिसकी भूख कम है उसको अगर कम रोटी न देकर समानता के आधार पर चार लोग चार रोटियां एक एक हिस्से में आ रही है और एक एक रोटी जो है हमने सबको बांट दी तो उससे क्या होगा साथियों। मान लो जिसको कम भूख है उसकी रोटी बची रहेगी और जो बची रहेगी वो व्यर्थ जाएगी और जिसकी भूख ज़्यादा है उसको रोटी नहीं मिल पाएगी। अगर समानता का अधिकार की बात करें तो कोड यहाँ पर कहता है कि जिसकी भूख कम है उसकी रोटी का वह हिस्सा जो उसको जरूरत नहीं है उससे लेकर जिसको अधिक भूख है उसको दे दिया जाए। तो साथियों संपत्ति का बंटवारा इस देश में उस तरीके से किया जाना चाहिए जिस तरीके से कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और मौलिक आवश्यकताओं में क्या आता है रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन क्या राज्य आज हमारे इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है? क्या भारत के हर नागरिक को रोटी मिल पा रही है पर्याप्त भोजन मिल पा रहा है? क्या सरकार उसको पर्याप्त भोजन दे पा रही है? क्या जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको समान रूप से कपड़े यानी वस्त्र जो कि अंग ढकने के लिए बहुत ही आवश्यक साधन है क्या वो उपलब्ध हो पा रहे हैं? क्या सभी लोगों को सर छुपाने के लिए मकान मिल पा रहे हैं? क्या हर व्यक्ति के पास घर है? नहीं साथियों
हमारे देश में जो देश की संपदा है, जो देश की आर्थिक साधन है, उनका वितरण समान रूप से नहीं किया गया है, बल्कि असमान रूप से किया गया है। या यूं कहें कि असमान रूप से नागरिकों ने अपने आप उनको बांट लिया है। जिसके पास भारत के संविधान के लागू होने से पहले जो संपत्ति थी, उसके पास वह संपत्ति भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी बनी रही, और राज्य ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया कि जिसके पास अधिक संपत्ति है उसका क्या किया जाए, और जिसके पास अधिक या काम या आवश्यकता के अनुसार भी संपत्ति नहीं है तो उसके लिए क्या प्रयोजन किया जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के लिए ऐसा कोई निर्देश भारत के संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का जो संरक्षण है वो समान रूप से सबको मिलेगा, इतना प्रावधान है। तो यानी कि जिस तरह से हम सोचते थे कि समानता का अधिकार ये है कि हमें सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ में यदि कहीं भेदभाव होता है तब आप कोर्ट से जाकर उस भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं, और कोर्ट जो है राज्य को वह आदेश करेगा कि इस व्यक्ति के साथ में ये भेदभाव हुआ है, इसके साथ में भेदभाव ना किया जाए, या जो भेदभाव होने के कारण उपस्थित हुई है उसको कंपेंसेट या उसका मुआवजा उसको दिया जाए। यह प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन हमें किस समानता की जरूरत है? जब हम बहुजन समाज के लोग समानता की बात करते हैं तो एकाएक हमारे जहन में वो बात आ जाती है कि जो हमारी मूल आवश्यकताओं में शामिल है। सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है हमारी शिक्षा की। क्या हमें शिक्षा में समानता मिल रही है? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से अमीरों के बच्चों की शिक्षा हो रही है? क्या हमें जो रोजगार के साधन उपलब्ध हैं वह उसी प्रकार से उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के पास रोजगार हैं? नहीं साथियों, हमारे लिए इस समानता के कोई मायने नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का ख्याल ना रखा हो कि हमारी जो समानता का जो एसेंस है वो हमें ना प्रदान हो। उसके लिए इस संविधान में बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास राज्य के ऊपर डाल दिए गए हैं कि राज्य यदि अपने आप को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि आदर्श राज्य की जो अवधारणा है, आज वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं, और राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है, यानी कि देश के ऊपर यह जिम्मेदारी है, और देश का मतलब ये है कि देश की सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे कार्य करे कि उसकी जो व्यवस्था है वो एक आदर्शवादी व्यवस्था के रूप में स्थापित हो। आदर्शवादी व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिससे कि दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें कि देखिए वो व्यवस्था कितनी अच्छी है, हमें वैसा बनना है। इसी प्रकार से कि एक आदर्श राज्य के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, वह हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 14 में इस बात का प्रावधान किया कि सबसे पहले तो इस बात को निश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी नागरिक के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और जो भी कानून बनेंगे संसद के द्वारा उनका जो संरक्षण है वो समान रूप से सभी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा, और उससे राज्य कभी भी इनकार नहीं कर सकता। इस प्रावधान के बाद हम अब इस प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं कि जिसे हम समानता समझते हैं वह हमारे लिए कहां पर है। तो वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि संविधान के भाग 4 में निहित है। भाग 4 यह कहता है कि राज्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि उसे एक आदर्श राज्य बनाने के लिए जरूरी है। तो ऐसे कौन से प्रावधान हैं, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। और इसके तरफ देखने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार हम मौलिक अधिकारों के हनन पर या कोई हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है, यानी कि कोई सरकारी संस्थान, सरकारी डिपार्टमेंट आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है या आपके मौलिक अधिकार को नहीं देता है, तो आप उसके विरुद्ध उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए
आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए, उसके लिए समुचित व्यवस्था करेगा। लेकिन यहाँ पर जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के भाग 4 में, उसमें ऐसा नहीं है। जो निर्देश राज्य को दिए गए हैं, यदि राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता है या उनको लागू नहीं करता है, तो आप उनको लागू करवाने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ राज्य के ऊपर आश्रित एक व्यवस्था मात्र है। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह कल्पना की थी, यह सोच बनाई थी कि राज्य जैसे जैसे साधन संपन्न होता जाएगा, जैसे जैसे संपन्नता की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे अपने देश में विकास करेगा, वैसे वैसे वह इन नीतियों को लागू करने का कार्य करेगा। तो यह नीतियाँ कौन सी हैं, मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 38 यानी कि अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान का। वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका मतलब ये है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, जो लोक कल्याण का अगर हम मतलब समझे तो लोक कल्याण का मतलब यह है कि जो देश के जो नागरिक हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति से संबंधित, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनको बनाने का काम राज्य करेगा। जैसे कि रोजगार संबंधी नीतियां, शिक्षा संबंधी नीतियां, आवास संबंधी नीतियां, ये सभी नीतियां ऐसी नीतियां हैं जो कि किसी भी नागरिक के चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक हैं। तो इसके लिए संविधान ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह ऐसे प्रयास करेगा कि राज्य एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरे या अपनी इमेज को वैसा बना पाए। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यह नहीं कहा गया कि वह करेगा, प्रयास करेगा, यानी कि जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होंगी वैसे वैसे राज्य वह प्रयास करेगा। उसके बाद आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। आज जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका संचालन इस देश के 1% लोगों के हाथ में है। पूरे देश के 1% लोगों के हाथ में इतना धन है कि बाकी के 99% लोगों के हाथ में जितना धन है। यह वो भावना नहीं है जो संविधान बनाते समय संविधान के निर्माताओं के मन में थी। यह जो राज्य की नीतियां आज तक लागू हुई हैं, उन नीतियों के लागू करने में जो त्रुटि राज्य से हुई है, यह उनकी पोल खोलता हुआ एक उदाहरण है कि किस तरह से राज्य ने गलत नीतियां अपनाई हैं और उनके कारण पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चंद हाथों में सिमट कर रह गई है। आज एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग भूख से आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कुछ लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, नाना प्रकार से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, और वो कारण सरकार की गलत नीतियों के कारण ही है। तो हम जो हमारी सरकार है उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो आर्थिक संपदा है देश की उसका संकेंद्रण ना हो बल्कि उसका विकेंद्रीकरण हो, सभी नागरिकों में उसका अंश पहुंचे या उनकी मौलिक आवश्यकताएं तो कम से कम पूरी हों।
इसके बाद पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। इसकी भी व्यवस्था राज्य ने आज तक नहीं की है। छोटे छोटे बच्चे हमें स्कूल छोड़कर कहीं कूड़ा बीनते दिखाई देते हैं, कहीं पर होटल पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। यदि सरकार ने सभी बच्चों की समान रूप से पढ़ाई की व्यवस्था की होती तो छोटे छोटे बच्चे हमें ऐसे गंदे गंदे और खतरनाक काम करते हुए दिखाई न देते। यह सरकार का कर्तव्य है, और सरकार के लिए आर्टिकल 21 ए जो कि मौलिक अधिकारों में है, वहाँ पर संविधान ने यह व्यवस्था की है, सरकार को यह आदेश दिया है, और सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को निश्चित करे। लेकिन साथियों, जिस समय में हम आज जी रहे हैं, जिस प्रगति के समय में हम आज जी रहे हैं, क्या 8वीं क्लास तक की शिक्षा की समानता का जो सिद्धांत संविधान में दिया है वह काफ़ी है? आज यदि हम कहें कि ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए तो यह बात हमें उचित लगती है। तब हम सोच सकते हैं कि यदि इस देश के सभी नागरिकों को कम से कम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्रदान की जाए तो उन्हें आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए समुचित अवसर प्रदान होंगे। लेकिन यदि आज हम कह रहे हैं कि 8वीं क्लास तक की शिक्षा अपरिहार्य है, यह राज्य सभी नागरिकों को जरूर प्रदान करेगा, तो इस बात के क्या मायने हैं? आज इस बात का मैं समझता हूँ कोई भी मायना नहीं है। आज 8वीं क्लास पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति उन लोगों को कॉम्पीट नहीं कर सकता जो कि तमाम तरह से संपन्न लोग हैं, और हम बात कर रहे हैं आज उन लोगों की समानता की जो छोटे छोटे बच्चे हमें कूड़ा बीनते हुए दिखाई देते हैं। यदि हमने उनको जबरदस्ती पकड़कर 8वीं क्लास तक पास करा भी दिया, जैसा कि आज हमने देखा है कि पीछे जो शिक्षा का जो नाश किया गया है सरकार के द्वारा कि 10वीं क्लास तक तो कोई फेल ही नहीं होगा, तो वहाँ तो शिक्षा का पूरा ही नाश हो गया है। जब कोई फेल नहीं होगा तो जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता सरकार ने लगाई नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करेंगे। वे 8वीं तक कम से कम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जिससे कि वो 8वीं के बाद कम से कम अपने स्वाध्याय में लिप्त होकर बड़ी एजुकेशन के लिए संघर्ष कर सकें। ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं कि बच्चों को जब से यह सुविधा प्रदान सरकार ने की है कि 10वीं तक कोई फेल नहीं होगा, बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, क्वालिटी एजुकेशन की बात तो बहुत दूर हो गई है। तो साथियों, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये इसीलिए हैं, ये और मौलिक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त राज्य के पास ऐसे तमाम साधन नहीं थे जिससे कि वह यह निश्चित कर सके सभी नागरिकों के लिए कि उनको उनके वे अधिकार प्रदान किए जा सकते। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने राज्य को यह बाध्य करते हो कम से कम कि कुछ हद तक तो बाध्य हो जाए, कम से कम अगर उनकी आंखों में शर्म हो तो इस ओर अगर देखें, संविधान के इस हिस्से की तरफ अगर सरकारें देखें तो उन्हें थोड़ी सी शर्म आए कि अब तक देश ने क्या क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का काम किया है, और किन किन नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकारों ने लागू करने का काम नहीं किया है, जो कि उनके लिए शर्मनाक है, शर्म की बात है। यदि उनकी आंखों में शर्म होगी तो वे जरूर इस तरफ ध्यान देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो आज की वर्तमान सरकार है, वो मंदिर बनाने के लिए, वो चुनावी रैलियां करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फंड खर्च कर सकती है, लेकिन भारत के नागरिकों को समान शिक्षा के लिए कुछ चंद करोड़ रुपए उसमें नियोजित नहीं कर सकती है। तो साथियों, इसके बाद मैं ये आर्टिकल पूरा पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका भी ज्ञान हो जाए कि इस नीति निर्देशक सिद्धांत के जो भाग है इसमें संविधान निर्माताओं ने क्या क्या निर्देश राज्य को दिए हैं। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इसके बाद आर्टिकल 39A बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन ये शुरू में नहीं था, जब संविधान बना तब नहीं था। यह 1976 में संविधान संशोधन 42 के माध्यम से इसमें लागू किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ तो संविधान का मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 14 में यह कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और दूसरी तरफ भारत के नागरिकों के पास न्यायालय जाने के लिए तमाम साधन नहीं है, धन नहीं है, वकील की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और यदि भारत के नागरिकों के पास न्यायालय में न्याय मिलता है और न्याय पाने के लिए न्यायालय जाने के लिए धन नहीं है, वकील को इंगेज करने के लिए धन नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय मिल रहा है, जो कि भारत की प्रस्तावना का एक मौलिक तत्व है। इसलिए यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि फ्री लीगल एड शैल बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और उसमें कुछ ये बातें शामिल की गई कि भारत के नागरिकों के किस वर्ग को यह फ्री लीगल एड मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, एज कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी महिला जिसको फ्री लीगल एड चाहिए वो लीगल एड अथॉरिटी के पास जाकर मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, इनको चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो, उनको जो है यह सहायता मुफ्त प्रदान की गई है। राज्य ने कुछ हद तक यह व्यवस्था की कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय मिल सके, लेकिन इसका भी बहुत बुरा हाल है, और हम देखते हैं कि जो क्वालिटी हमें हर एक वकील में चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, इसलिए वह ज़्यादातर न्याय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमने अक्सर कोर्ट में देखा है कि बड़े बड़े मुलजिम बड़ा बड़ा जुर्म करके बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जुर्म करने वाले या गलती से फंसा दिए गए लोगों को सालों साल जेल में छड़ना पड़ता है। उसका यही कारण है कि जो लोग बड़े जुर्म करते हैं उनके पास अथाह आर्थिक संपत्ति है, और उसका प्रयोग करके वे अच्छी गुणवत्ता वाले वकीलों को अपने साथ में एंगेज कर लेते हैं, जो कि उन्हें प्रोफेशनल ढंग से वह सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिनके लिए कि उन्हें एंगेज किया गया है। यही सुविधा भारत के उन नागरिकों के पास नहीं है जिनके पास अच्छा वकील करने के लिए उचित साधन या धन नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 41 यह अनुच्छेद कहता है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, क्या इस देश में वो साधनों की कमी है, क्या राज्य के सामर्थ्य का अभाव है? हम तो ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी अभाव इस देश में नहीं है, यह देश बहुत ही संपन्न है, बल्कि इस देश की जो सरकारें हैं उनकी नीयत की संपन्नता में कमी है, उनकी नीयत संपन्न नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 42 में कहा गया है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मानवोचित यानी कि मानव के लिए उचित, और प्रसूति के लिए यानी कि जो महिलाओं को जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो व्यवस्था करेगा। राज्य के लिए निर्देश है कि जो कम से कम किसी व्यक्ति के साथ में अमानवीय व्यवहार ना हो या अमानवीय परिस्थितियां उसके साथ में उत्पन्न ना हो। अनुच्छेद 43 जो ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के
या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अभी जो लघु उद्योग है, आपने कोई छोटा मोटा काम धंधा करना है, उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है। आप बैंक के पास गए उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए। बैंक ने आपसे गारंटी मांगी। अब यदि आपके पास गारंटी ही होती तो आपको शायद वो लोन लेने की आवश्यकता ना पड़ती। इसलिए सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि जो छोटे मोटे लघु उद्योग लगाने के लिए लोगों को कुछ ऐसे रोजगार की उपलब्धि कराए जाए। जहाँ पर सरकार यह बहाना बनाती है कि जो लोन है उसको लोग नहीं चुका पाते हैं, इस तरह से बैंक को घाटा रहता है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा बड़ा धन ऋण के रूप में सरकार देने का काम करती है और शायद कोई इतनी बैंक गारंटी भी नहीं लेती है। लेकिन हमने पीछे कई घोटाले देखे जहाँ पर कि बड़े बड़े उद्योगपति बड़ा बड़ा धन लेकर इस देश को छोड़कर भाग गए और सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, उनसे वह धन वसूल भी नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर जिससे कि समानता का जो कानून है या समानता का जो अधिकार है वो लोगों को प्राप्त होगा और लोग जो है जब अपना कोई रोजगार या धंधा उस धन से लगा लेंगे और उससे थोड़ा सा अपने आप को संपन्न कर लेंगे तो वे कुछ आर्थिक समानता की तरफ बढ़ सकेंगे। लेकिन सरकार इस तरफ काम नहीं करती है, इसीलिए कहा गया कि इस सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या नीतियां लेकर आ रही है, सरकार की नीतियां किस वर्ग के समर्थन में है, किस वर्ग के विरोध में है। इन सब बातों को भारत के नागरिकों को सोचना चाहिए क्योंकि भारत के नागरिक ही इन बातों को निश्चित कर सकते हैं। भारत के नागरिकों के पास हर 5 साल में एक बार यह अधिकार उन्हें प्राप्त होता है कि वह अपने लिए ऐसे प्रतिनिधि चुन सकें जो उनके यह अधिकार को दिलाने के लिए तमाम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिनसे कि उनको यह अधिकार मिल सके। लेकिन होता यह है कि जागरूकता के अभाव में, अशिक्षा के अभाव में ये गलत नीतियों वाले नेता हैं, गलत मानसिकता के जो नेता लोग हैं वे जनता के बीच में बड़ी भ्रामक बातें करते हैं और उनको गुमराह करने का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसमें आज हम जानते हैं कि मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज मीडिया के माध्यम से सरकार जो बताना चाहती है देश के लोगों को वह बताने में सक्षम हो जाती है। लेकिन जो सच्चाई जो अच्छे और सज्जन विद्वान लोग चिल्लाते रहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके पास मीडिया का साधन नहीं है, इसलिए उनकी बात बहुत बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाती है और वे भारत के लोगों को उस राह पर जागरूक नहीं कर पाते हैं। तो भारत के लोगों को इस तरफ से जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वे किस व्यक्ति को वोट करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति किस मानसिकता का व्यक्ति है, वह व्यक्ति किस सोच का व्यक्ति है, क्या वह उनके लिए वह तमाम नीतियाँ बनाएगा जिससे कि उनको उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकें। अनुच्छेद 43 है जिसमें कि उद्योग धंधों में मजदूरों की सहभागिता का उपबंध किया गया है। इसके माध्यम से यह निश्चित किया गया है कि जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी जो उद्योग हैं उनमें भागीदारी मिल सके। यह भी अभी तक हमारी सरकार की नीतियों में कहीं दिखाई नहीं देता। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। आज हम देखते हैं कि शादी करने का जो कानून है वो धर्म के अनुसार बदलते हमें दिखाई देते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए अलग है और हिंदू लोगों के लिए अलग है। ऐसे ही विवाह विच्छेद यानी तलाक लेने का जो कानून है वो भी मुस्लिमों का अलग है और हिंदुओं का अलग है। तो इसमें यह कहा गया है कि जब नागरिकों के जीने की जो संभावनाएं हैं, जो उनके विकास की संभावनाएं हैं वे एक समान हैं तो उनके जीवन में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको नियमित करने के लिए हमें समान सिविल संहिता की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार कानून बनाएगी या इन नीतियों को लागू करेगी, लेकिन ऐसा भी आज तक नहीं हो पाया है। सरकारों ने इस तरफ कोई भी काम नहीं किया है। साथियों, ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि समानता का अधिकार जिसको हम समझते हैं कि जो हमें जल जंगल जमीन में समान हिस्सेदारी या जैसा कि हम समझते हैं, हमें समझना चाहिए कि जब हम इस देश में पैदा हुए हैं और हम उसी तरीके से पैदा हुए हैं
जैसे कि इस देश का प्रत्येक नागरिक पैदा हुआ है। इस देश का प्रत्येक नागरिक आज वह चाहे करोड़पति है, अरबपति है, उद्योगपति है, चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी भाषा का है, वे सब उसी तरीके से पैदा हुए हैं जिस तरीके से हम पैदा हुए हैं। तो सभी लोगों के पैदा होने की जो कंडीशंस हैं वो एक ही है, तो उनके अधिकार भी समान होने चाहिए, और यदि उनके अधिकार समान हैं तो उनको उपलब्ध भी होना चाहिए। और इस देश में हमने जन्म लिया है तो इस देश में जितनी भी जलवायु है, हवा है, रोशनी है, पानी है, जंगल है, जमीन है, उन सब में उनकी हिस्सेदारी निश्चित होनी चाहिए। यही है समानता का भाव, और इसी समानता के भाव को प्राप्त करने के लिए एक पूरा का पूरा वर्ग संघर्षशील है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उनके इस संघर्ष को नहीं समझ पा रहा है। वह अपने विलासिता के जीवन में जिए जा रहा है और उसको उस संघर्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है उस वर्ग से जो विलासितापूर्ण जीवन जीने की राह पर है और विलासितापूर्ण जीवन जीकर उस संघर्षशील वर्ग के संघर्ष को बेकार करने का काम कर रहा है, जिससे कि इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार समान रूप से प्राप्त हो सकेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत हद तक समानता का जो अधिकार है, जो उसकी अवधारणा है, उसको समझने में सहायता मिली होगी। और हम यह प्रयास करेंगे कि हम अब अपने आने वाले जीवन में उन सभी लोगों का हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, जो हमारे समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वह कोई संस्था है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वह कुछ भी है। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके साथ में खड़ा होने का काम करना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, अगर आपको यह पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी लोग मेरी इन बातों से वाकिफ हो सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।